लेकिन जब मूसा स्वर्गदूत के साथ नरक देखने के लिए गया, तो यहूदी इतिहास कहता है कि जैसे ही मूसा ने नरक के अंदर प्रवेश किया, मूसा जो था वो भयभीत हो गया, क्योंकि वहां पर मूसा ने कई सारे पुरुषों की आत्माओं को देखा जिनकी आंखों के अंदर लोहे के हुक डाल करके उनको आग में लटकाया हुआ था। और मूसा ने स्वर्गदूत से कहा कि इन पुरुषों के साथ, इनकी आत्माओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो स्वर्गदूत ने जवाब दिया कि ये पुरुष जो थे अपने जीवन में, इनकी आंखें इतनी गंदी थी, ये अपनी आंखों से ही महिलाओं का बलात्कार कर दिया करते थे, इतनी गंदी इनकी आंखें थी, तो जीवन भर जिस अंग से इन्होंने पाप किया उसी अंग के द्वारा इनको अब दंड दिया जा रहा है, अनंत दंड दिया जा रहा है, आंख में लोहे के हुक डाल करके आग में लटकाया हुआ है। उसके बाद जब मूसा आगे बढ़ा, यहूदी इतिहास बताता है, तो वहां पर कई सारी महिलाओं की, स्त्रियों की आत्माओं को उसने देखा नरक में, जिनके ब्रेस्ट के अंदर लोहे के हुक डाल करके उनको आग में लटकाया हुआ था। और मूसा ने कहा, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इतना क्रूरता का व्यवहार? तो स्वर्गदूत ने मूसा से कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि ये महिलाएं जो थीं पूरे जीवन काल में ये अंग प्रदर्शन किया करती थी, पुरुषों को ये पाप के अंदर गिराया करती थी, तो जिस अंग से इन्होंने पूरे जीवन भर पाप किया, अब इनको उसी अंग के द्वारा दंड दिया जा रहा है। और मूसा पूरे नरक के अंदर घूमा, और मूसा ने इसी बात को देखा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस अंग के द्वारा पाप किया था, उसको उसी अंग के द्वारा दंड दिया जा रहा था। नरक जो है वो इतनी भयानक जगह है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 24वें वचन में यीशु ने इस बात को बताया कि नरक जो है वहां पर ज्वाला ही ज्वाला है, और वहां पर लोग उस ज्वाला के अंदर, उस आग के अंदर वहां पर तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं कि काश हम समय रहते परमेश्वर की बात को मान जाते। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन को पढ़ें, तो अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद दुष्ट इंसान की आत्मा को, पापी इंसान की आत्मा को कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। लिखा है अय्यूब की किताब में, ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। सूरज जो है वो तो कल आने में विफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टल सकता है। यीशु ने कहा आकाश और ये पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं टल सकती है। और ये बातें जो है वचन में लिखी हुई हैं, मैं मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंदर यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया, और यीशु ने इस बात को कहा कि एक सेवक था, और वो सेवक जो था उसको स्वामी अधिकार दे करके गया, लेकिन वो सेवक जो था वो दुष्ट दास था, और वो दुष्ट दास जो था वो अपने साथी दासों को मारने पीटने लगा, शराब पीने लगा, पियक्कड़ों की संगति करने लगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं? अकलमंद को इशारा ही काफी होता है, और यदि आपको इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को अकलमंद भी फिर ना समझें। और मुझको ऐसा लगता है पादरी साहब कि कल शायद यहां पर लोग और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आज आप यहां पर जो बैठे हैं कितनी ही ठंड बाहर क्यों ना हो, नीचे कुर्सी जो है तवे की तरह गर्म होना शुरू हो जाएगी। यीशु ने बताया कि एक दुष्ट दास था। यीशु हमारे बारे में ही तो बात कर रहा था कि पियक्कड़ों की संगति करने लगा, और एकदम से जब स्वामी आ गया तो स्वामी ने उसका न्याय किया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 51वें वचन में लिखा है कि उसके स्वामी जो है
बताया मत्ती रचे सुसमाचार के 18 अध्याय के 34वें वचन में कि लोगों को दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। यानी जिस प्रकार से अय्यूब ने कहा कि कष्ट देने वालों के हाथ में आत्मा सौंप दी जाती है, उसी प्रकार से यीशु ने कहा दंड देने वालों के हाथ में इंसान को सौंप दिया जाता है। यीशु ने कहा वहां पर अंधकार ही अंधकार है, वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने इस सच्चाई को भुला दिया है। और यदि नए नियम की बात की जाए तो नए नियम के अंदर 11 बार यीशु ने नरक शब्द का इस्तेमाल किया है, 11 बार। और नरक के लिए जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया था नए नियम में ग्रीक भाषा में, वो शब्द है गहना। यानी 11 बार यीशु ने जब नरक शब्द का इस्तेमाल किया तो ग्रीक लैंग्वेज में वो शब्द है गहना। ये पहनने वाला गहना नहीं, लेकिन वो जलाने वाला गहना है। और गहना का मतलब क्या हुआ करता था उस जमाने में? शिष्य जो थे उन्होंने नहीं पूछा कि प्रभु गहने पहने या नहीं, आप गहना गहना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि शिष्यों को पता था कि यीशु गहना के रूप में क्या बता रहा था। यरूशलेम की शहरपना के अंदर एक फाटक था जिसको कूड़ा फाटक के नाम से जाना जाता था, डंग गेट, कूड़ा फाटक। और उसको कूड़ा फाटक इसलिए कहा जाता था क्योंकि पूरे यरूशलेम नगर का कूड़ा जो था उस दरवाजे से ले जा करके बाहर हिन्नोम की तराई में फेंका जाता था। और इसी हिन्नोम की तराई को ग्रीक भाषा के अंदर गहना, वैली ऑफ गहना भी कहा जाता था। और जब यीशु ने 11 बार गहना शब्द का इस्तेमाल किया तो यीशु क्या बता रहा था? पूरे शहर का मल, पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर का कूड़ा उस गहना की तराई में फेंका जाता था। जानवरों की सड़ी गली लाशें वहां पर फेंकी जाती थी। जितने भी अपराधी हुआ करते थे उनकी लाशों को वहीं पर ही जलाया जाता था। और 24 घंटे सातों दिन हिन्नोम की तराई के अंदर कचरा जो था वो जलता ही जलता रहता था। और पूरे शहर के सारे कुत्ते हिन्नोम की तराई में रहा करते थे क्योंकि यहूदी लोग प्राचीन काल से कुत्ते नहीं पाला करते थे, क्योंकि यहूदी लोगों का ऐसा मानना रहा था कि कुत्ते जो हैं वो रो रो करके मौत को रास्ता दिखाते हैं कि इस घर के अंदर चले जाओ, इसलिए वो कुत्ते नहीं पाला करते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने भी इसी बात को कहा था मिस्र के अंदर। परमेश्वर ने कहा था कि मैं मिस्रियों के पहलोटों को मारूंगा और इसराइलियों के घर की ओर कोई कुत्ता भी मुंह उठा करके रोने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने भी इस बात को कहा था कि कुत्ता भी मौत को रास्ता नहीं दिखा पाएगा। मैं इधर मिस्रियों के बच्चों को मारूंगा लेकिन उधर मौत जा भी नहीं पाएगी। और यीशु ने जब 11 बार गहना शब्द का इस्तेमाल किया तो यीशु बता रहा था कि नरक जो है वो वास्तव में किस प्रकार का स्थान है। यीशु ने बताया था क्योंकि उस हिन्नोम की तराई में जहां पे सारी सड़ी हुई चीजें फेंकी जाती थी, जानवरों की लाशें, पूरे शहर का मल मूत्र सब वहीं पर ही फेंका जाता था। और जब हवा चलती थी यरूशलेम की तराइयों में और जब कूड़ा फाटक की तरफ से हिन्नोम की तराई से हवा चलती थी इस दिशा में तो पूरे यरूशलेम के अंदर इतनी भयानक दुर्गंध आती थी उस हवा के साथ कि यहूदी सांस भी नहीं ले पाते थे। और यीशु ने जब गहना शब्द का इस्तेमाल किया तो यीशु अपने शिष्यों को बता रहा था कि नरक वास्तव में कैसा स्थान है। वहां पर दुर्गंध है, वहां पर रोने की आवाजें हैं, जैसे कुत्ते वहां पर रोते रहते थे वहां पर रोने की आवाजें हैं, वहां पर गंदगी ही गंदगी है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है वहां पर तो सब कुछ गड़बड़ है लिखा हुआ है। यीशु ने भी इसी बात को बताया था। और मेरे प्रिय, पुराने जमाने के लोग जो हुआ करते थे वो नरक से डरा करते थे। हम नहीं डरते हैं, हेलो, हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन पुराने समय के लोग नरक से डरा करते थे। वो कहते थे कि बुरा मत करो, पाप मत करो, वरना नरक में जाना पड़ जाएगा।
मिस्र के जो फिरौन हुआ करते थे वो जिंदगी भर मिस्र के अंदर एक देवता हुआ करता था जिसको अनुबिस के नाम से जाना जाता था। वो अनुबिस जो होता था वो कुत्ता देवता होता था, उसकी मुंडी कुत्ते की और शरीर इंसान का हुआ करता था। जिंदगी भर उस कुत्ता देवता को वो खुश किया करते थे क्योंकि माना करते थे कि मरने के बाद ये कुत्ता देवता जो है वो हमको कहीं नरक के अंदर ना ढाल दे। पुराने समय के लोग जो थे वो नरक की सच्चाई को समझा करते थे, जाना करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है और इसीलिए तो हमारी कलीसियाओं के अंदर आज ये सारे बखेड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए तो देखने को मिल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। कई कई कलीसियाओं के अंदर पास्टरों को कलीसिया के लोगों के द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई कई कलीसियाओं के अंदर भेड़े चरवाहे को चराने के लिए लेकर के जा रही हैं, भेड़े आराम से पीछे चाबुक लेके चल रही हैं, चरवाहा घास खाने के लिए जा रहा है। ऐसा कई कलीसियाओं में हो रहा है। एक जगह पर भारत के अंदर आपको आपको जान करके हैरानी हो जाएगी। एक जगह पर भारत में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पर हर रविवार को जब आराधना होती है कलीसिया में, मेन लाइन चर्च के बारे में बता रहा हूं, जब आराधना होती है तो पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। शहर के एसडीएम महोदय वहां पर कलीसिया में आकर के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑफरिंग होगी, ऑफरिंग होने के बाद जब सभा समाप्त होगी, आराधना समाप्त होगी, उसके बाद यहां पर खून खराबा ना हो जाए कि ये ऑफरिंग किसके पास जाएगी, पुलिस वाले आकर के वहां पर ऑफरिंग का बंटवारा करके जाते हैं, एसडीएम महोदय साइन करके जाते हैं। ये हालात आज हमारी कलीसियाओं के हो गए हैं। तो मुझे ना बताएं कि पास्टर साहब हमारी कलीसिया बहुत आत्मिक है, मुझे सब पता है, क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। डर ही तो नहीं है, और डर कब आएगा? जब उन सब वास्तविकता से हमारा आमना सामना हो जाएगा और उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी इतनी जल्दी चाय और समोसा ठंडा नहीं होगा। अमेरिका के अंदर एक प्रचारक हैं, उनका नाम है रॉन फिलिप्स, उनको आरपी के नाम से भी जाना जाता है। और आरपी बताते हैं कि वो मैसिसिपी के क्षेत्र के अंदर एक सभा लेने के लिए गए हुए थे, और जब वो उस सभा में प्रचार करने जाने वाले थे तो मैसिसिपी के क्षेत्र में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहा करते थे, दोनों अय्याश जवान लड़का और लड़की, बस मोटरसाइकिल के ऊपर पूरे दिन भर घूमना, शराब पीना, अय्याशी करना, यही उनका जीवन था। लेकिन लड़की के जो माता पिता थे वो अच्छे विश्वासी थे, और जब उनको पता चला कि रॉन फिलिप्स उनके शहर में प्रचार करने आ रहे हैं, तो उन्होंने दोनों को, उस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को, घर पर बुलाया और दोनों को सख्त हिदायत दी कि तुम दोनों को हमारे साथ आरपी की सभा में चलना ही पड़ेगा। और वो उन दोनों को लेकर के गए, और जब वो सभा चल रही थी, आरपी वहां पे खड़े होकर के प्रचार कर रहे थे, तो आरपी के प्रचार को सुन करके वो लड़का जो था वो व्याकुल हो गया और वो अपनी जगह से उठ करके खड़ा हो गया, और आरपी को, रॉन फिलिप्स को, उसने गालियां बकनी शुरू कर दी। और उसके बाद वो वहां से निकल करके पार्किंग में गया और एक एक बड़े लॉन के अंदर, बड़े गार्डन के अंदर वो सभा हो रही थी, और उसने जाकर के अपनी हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट करी। और आपको पता है हार्ले की आवाज जो है, उस मोटरसाइकिल की आवाज जो है कितनी ज्यादा होती है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो लड़की थी वो नहीं उठ पाई अपने माता पिता के डर के मारे, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए मोटरसाइकिल की रेस देता गया देता गया। आरपी की सभा चल रही थी, लोग डिस्टर्ब हो रहे थे,
और जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई तो उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और पूरे गार्डन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, करतब दिखाने शुरू कर दिया, आवाज मोटरसाइकिल से निकालनी शुरू कर दी। और जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई तो उसके बाद वो बहुत तेज रफ्तार से वहां से चला गया। और अगले 5 मिनट के अंदर एक आदमी भागा भागा आया और इस बात को बताया कि वो लड़का जो यहां पर पूरी सभा को परेशान कर रहा था, आरपी को जिसने गालियां बकी, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया है और वो उसी जगह पर मर गया है। और रॉन फिलिप्स इस बात को बताते हैं कि 3 महीने के बाद उस सभा के 3 महीने के बाद उस लड़की के माता पिता उस लड़की को लेकर के रॉन फिलिप्स के पास आए और आकर के रॉन फिलिप्स को बताया कि ये 3 महीने से सोई नहीं है। और उस लड़की से जब रॉन फिलिप्स ने पूछा कि तुमको क्या हुआ तो उसने बताया कि जब भी वो सोती है, जब भी उसको झपकी आती है तो उसको अचानक से ही अपना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जिसके हाथों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं, उसके गले के अंदर लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं, पैर में लोहे की बेड़ियां बंधी हुई हैं और वो उन भारी लोहे की बेड़ियों को लेकर के आग के अंदर चलता हुआ उसको दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसको देखती है तो उसके नाम को चिल्लाती है और जैसे ही वो उसके नाम को सुनता है वो पलटता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है, अपनी इन बेड़ियों को उठाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को देख कर भूल करके भी तू मत आ जाना, वो चिल्लाता है और वो डर करके उठ जाती है। और 3 महीने से वो सो नहीं पाई क्योंकि 3 महीने से हर दिन हर समय उसको यही सब कुछ दिखाई दे रहा था, लोहे की मोटी मोटी सांकलों से बंधा हुआ आग के अंदर चलता हुआ उसका प्रेमी उसको दिखाई दे रहा था। और मेरे प्रियो ये बात जो वो लड़की बताती है उसको भी हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन पढ़ें तो वहां पर यही बात आपको पढ़ने को और समझने को मिल जाएगी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय 6 से लेकर 8 वचनों के अंदर लिखा हुआ है, उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है, मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा कि मैं निकल नहीं सकता, उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है, मैं चिल्ला चिल्ला के दोहाई देता हूं तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, उसने मुझे भारी मोटी मोटी लोहे की सांकलों से बांधा हुआ है, जंजीरों से बांधा हुआ है, मैं चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर की दुहाई देता हूं तो भी वो मेरी आवाज नहीं सुनता है, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मेरे प्रियो ये वो सच्चाई है जो इंसान मरने के बाद समझ पाता है, लेकिन बाइबल में ये सच्चाई पहले से ही बताई हुई लेकिन लोग नहीं समझ पाते। एक दो उदाहरण और दूंगा उसके बाद समाप्त करूंगा। एक और बहुत माने हुए प्रचारक हैं जिनका नाम है जॉन हेगी, आपने सुना होगा। और जॉन हेगी अपनी गवाही में बताते हैं कि जब वो जवान थे और वो कहते हैं कि जवानी का जोश और सुसमाचार का प्रचार करना ये दोनों एक साथ मेरे अंदर काम कर रहे थे। और जॉन हेगी कहते हैं कि मैं एक चर्च में एक बड़ी सभा में प्रचार करने गया हुआ था और जब मैं प्रचार कर रहा था पूरे जोश में जवानी में तो मैंने देखा कि लोगों के बीच में एक जवान लड़का बैठ करके बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहा है। और वो कहते हैं मैं तो जवानी के जोश में था, मैं तुरंत ही मंच से नीचे कूदा और मैं उस जवान लड़के के पास गया और मैंने जाकर के उससे कहा कि क्या तू यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। और जॉन हेगी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था जब वो लड़का खड़ा हुआ तो वो 6.5 फुट का लंबा चौड़ा मुस्टंडा लड़का था। और जॉन हेगी कहते हैं मैं उसके सामने मच्छर की तरह दिखाई दे रहा था, इतना लंबा चौड़ा वो जवान लड़का था। और वो जवान लड़का जो था वो अपना मुंह मेरे मुंह के पास लाया, जॉन हेगी कहते हैं, और मेरे मुंह पर आकर के इतनी जोर से वो चिल्लाया,
I don't need God. मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और जॉन हेगी कहते हैं कि जब वो चिल्लाया तो मेरा दिल जो था धक से रह गया, मैं डर गया। और जॉन हेगी कहते हैं कि मैंने समय का सही आंकलन करते हुए चुपचाप में वहां से आ गया, वापस से मंच पे आ गया और प्रचार करना शुरू कर दिया। और जॉन कहते हैं कि जब मैं होटल में था तो दूसरे दिन सुबह उसी कलीसिया के पास्टर का फोन मेरे पास आया और पास्टर ने कहा कि जॉन हमको इसी समय अस्पताल चलना पड़ेगा क्योंकि जिस लड़के को तुमने कल शाम को यीशु को ग्रहण करने का निमंत्रण दिया था वो एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में एक हादसा हो गया, रात के समय सारे पाइप जो थे वो आकर के उस लड़के के ऊपर गिर गए, वो बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। और जॉन हेगी कहते हैं कि जब मैं उस पास्टर के साथ अस्पताल पहुंचा उस लड़के के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने देखा कि डॉक्टरों ने नर्सों ने उसको पकड़ा हुआ है क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। लेकिन जॉन हेगी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ, वो कहीं से भी जला हुआ नहीं था, उस पर तो पाइप ऊपर से गिर गए थे। और जब वो तड़प रहा था अपने बेड पर, अस्पताल के बेड पर, तो उसने दरवाजे पर जॉन हेगी को खड़े हुए देखा और वो जॉन हेगी को देख करके चिल्लाया कि प्रचारक मुझे बचा ले क्योंकि मैं आग के अंदर जल रहा हूं। और जॉन हेगी कहते हैं मेरी पूरी सेवकाई में सबसे दर्दनाक हादसा वो रहा कि मैं वहां पर खड़ा हुआ था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प करके वो वहीं पर ही मर गया और वो अंत तक यही चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मैं आग के अंदर जल रहा हूं। लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का निमंत्रण उनके लिए आया है। कुछ ही घंटे पहले परमेश्वर ने अपना संदेश उसके पास भेज दिया था, कुछ घंटे पहले। परमेश्वर को तो पता था कि हादसा होने जा रहा है, तो भी परमेश्वर ने उसकी आत्मा को बचाना चाहा, लेकिन उसने कहा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और यही नूह के दिनों में भी हुआ था। नूह के दिनों के बारे में यहूदी इतिहास बताता है कि जब जल प्रलय का पानी पृथ्वी के ऊपर आने लगा तो लाखों लोगों ने जाकर के कम से कम 1.5 लाख या 2.5 लाख, ऐसा ही कुछ आंकड़ा बताया हुआ है यहूदी ग्रंथों में, कि इतने लोगों ने जाकर के नूह के जहाज को घेर लिया और कहा कि जहाज का दरवाजा खोल ताकि हम अंदर आ सकें। लेकिन यहूदी इतिहास बताता है कि नूह ने अपनी खिड़की को खोला, नूह ने अपना मुंह बाहर निकाला और नूह ने कहा कि क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि जल प्रलय आने वाला है, लेकिन तुमने तो कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तुमने तो कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो अब तुम अपनी उसी बात का फल भुगतो। और नूह ने अपनी खिड़की बंद। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है, लेकिन आज तो हम मसीही लोग ही परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाह रहे हैं, इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर हम दूसरे को कैसे बचाने जा सकते हैं। वचन में लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर बाहर निकाल लो, लेकिन आज तो हमको ही कोई आए और आग में से झपट करके बाहर निकाले, ये नौबत आ रखी है। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले, रेस्क्यू मिशन चलाने वाले मसीही लोगों को ही आज रेस्क्यू की जरूरत पड़ने लगी। जो वचन मैंने आप लोगों के सामने पढ़े, अब हम उन वचनों पे आ जाते हैं फिर समाप्त कर दूंगा, घबराएं नहीं। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के अंदर जो वचन हमने पढ़े थे, वहां पे 13वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20:13 यहां पे लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया।
यहां पर यूहन्ना कहता है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो समुद्र के अंदर थे दे दिया। तो जो लोग समुद्र के अंदर मरे हैं, समुद्र ने जब उन मरे हुओं को दे दिया तो फिर नदियों ने क्यों नहीं दिया, तालाबों ने क्यों नहीं दिया, लोग कुएं के अंदर डूब करके भी मरे हैं, कुएं ने क्यों नहीं दिया, सिर्फ समुद्र ने ही अपने मरे हुओं को क्यों दे दिया, न्याय के दिन क्यों दे दिया। क्यों यूहन्ना ने इस बात को लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाइबल के अंदर अय्यूब की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर मरे हुओं की आत्माओं को समुद्र के नीचे एक स्थान है वहां पर परमेश्वर रखता है। और कहां पर लिखा हुआ है आप उस वचन को नोट कर लीजिए, अय्यूब की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर वो बात बताई हुई है। अय्यूब 26 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, इंग्लिश में पढ़े तो और अच्छे से समझ में आएगा कि समुद्र के नीचे एक स्थान है वहां पर परमेश्वर मरे हुओं की आत्माओं को रखता है और इसीलिए समुद्र ने अपने मरे हुओं को न्याय के दिन के लिए दे दिया। लेकिन आगे और भी ज्यादा जटिल बात लिखी हुई है। और जटिल बात क्या लिखी हुई है, वहां पे लिखा है मृत्यु और अधोलोक ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया। अब यहां पर तो बहुत उलझाने वाली बात यूहन्ना ने लिख दी। यहां पर यूहन्ना बोल रहा है कि मृत्यु ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया। जब किसी का शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो हम कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कोई स्टोर रूम तो है नहीं, मृत्यु तो एक शब्द है, मृत्यु तो एक कंसेप्ट है कि हम कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कोई गोदाम तो है नहीं कि उसके अंदर आत्माएं भरी पड़ी हैं और उसने गोदाम खोल दिया तो आत्माएं निकल गई। तो यहां पर क्यों इस बात को लिखा हुआ है कि मृत्यु ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया, अधोलोक ने भी दे दिया। लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा हटाने से पहले एक बात बताता हूं, घबराए नहीं, जल्द ही खत्म करूंगा, कल भी बुलाना है आपको। आज से कई साल पहले मैं एक जगह पर प्रचार करने गया हुआ था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत होशियार हैं, सब समझ जाएंगे। वहां पर जब शाम की सभा हुई तो एक परिवार के अंदर हमारा डिनर था, मैं और मेरे साथी हम उस परिवार के अंदर गए और जब हम जाकर के बैठे तो उस शहर का सबसे धनवान मसीही परिवार वो था जिसने हमको खाने पर बुलाया था। और उस घर के मुखिया और उनकी पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप जरा दूसरे कमरे में चलेंगे, हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और मैं उनके साथ दूसरे कमरे में गया, जैसे ही मैं कमरे में गया उनकी पत्नी ने दरवाजे के अंदर चिटकनी लगा दी और उसके बाद दोनों पति पत्नी मेरे घुटनों को पकड़ करके बैठ गए और मेरे सामने फूट फूट करके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा उनकी जो मैडम थी, उनकी पत्नी जो थी, वो एक तस्वीर लेकर के आई और कहा कि पास्टर साहब ये मेरी बेटी है, परमेश्वर ने इसको इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, लेकिन ये अपनी सुंदरता को पाप के लिए इस्तेमाल कर रही है, कितने लड़कों के साथ ये व्यभिचार का जीवन जी रही है और ये दूसरे शहर के